नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह को समन किया था। खबरें थीं कि एक्ट्रेसेस को क्लीन चिट दे दी गई है, हालांकि एनसीबी ने बुधवार को इन दावों से इनकार कर दिया है। एनसीबी अधिकारी का कहना है कि जो न्यूज आर्टिकल कह रहे हैं कि जिनसे पूछताछ हुई उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, इनका सच से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और करिश्मा प्रकाश से शनिवार को पूछताछ की थी। सारा अली खान, जिन्होंने सुशांत के साथ केदारनाथ में काम किया है, उनके साथ 5 घंटे पूछताछ चली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा अली खान ने इस बीच सुशांत और उनके रिलेशन के बारे में भी बात की थी। खबरें हैं कि सारा ने बताया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। वहीं सारा ने सुशांत के रिलेशनशिप में लॉयल ना होने की बात भी कही थी। उन्होंने बताया था कि वो ड्रग्स नहीं लेती। वहीं दीपिका पादुकोण ने भी ड्रग्स लेने से इनकार किया था। दीपिका से जब चैट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आपस में दोस्तों के बीच उन्होंने अलग अलग तरह की सिगरेट्स को कोडवर्ड्स दे रखे थे। वहीं दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने भी यही बयान दिया था। रिपोर्ट्स हैं कि सभी के बयान इतने मैच कर रहे थे कि एनसीबी अधिकारी भी हैरत में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा कपूर ने भी सुशांत की ड्रग्स लेने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि वो छिछोरे की सक्सेस पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन वहां ड्रग्स नहीं, ड्रिंक सर्व हुए थे। श्रद्धा ने बताया कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। वहीं रिपोर्ट्स थी कि श्रद्धा ने बताया था कि सुशांत वैनिटी वैन में ड्रग्स लेते थे। बताते चले, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद जांच में एनसीबी भी शामिल हो गया था। इस मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाल ही में धर्मा प्रोडक्शंस के एक्स एम्प्लॉय क्षितिज प्रसाद को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया। हालांकि क्षितिज का कहना था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अब आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी सोर्स ने खुलासा किया है कि क्षितिज प्रसाद ने 3 महीनों में 12 बार गांजा खरीदा था। क्षितिज प्रसाद से करीब 24 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एनसीबी सोर्स ने बताया है कि क्षितिज को बीते 3 महीने में करमजीत ने क्षितिज को कई बार गांजा दिया। हर बार 50 ग्राम गांजे के उन्होंने 3500 रुपए दिए और ये उनकी बिल्डिंग के बाहर ही डिलीवर किया गया था। सोर्स ने बताया, क्षितिज को मई से जुलाई तक कई बार गांजा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी ने क्षितिज के घर से तलाशी ली तो उन्हें सिगरेट का एक बट मिला था। इसे गांजे के जॉइंट का हिस्सा माना जा रहा है। क्षितिज प्रसाद 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। वहीं ड्रग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह को भी अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।